नहीं वो दे देंगे यार, बात हो जाएगी, दरख्वास्त पहले करेंगे, भाई कॉल है बाद में देंगे। राजेंद्र राजेंद्र कटू सर, सर आज ज्वाइंट ऑपरेशंस में तीन गैंगस्टर से ढेर कर दिए गए हैं, क्या पूरा मामला है वो निकलकर सामने आया? ये तीन है, आशीष लालू, विक्की रिडाना, सनी गुज्जर। ये हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन एनडीआर क्राइम ब्रांच और एसटीएफ सोनीपत के साथ हुआ है, जिसमें ये हमारी मुठभेड़ हुई है जिसमें ये तीनों मार गिराए। सर इनाम भी रखा गया था कि दिल्ली पुलिस द्वारा इन पर? इसमें अभी वो डिटेल्स चेक की जा रही है, हरियाणा पुलिस से 1,00,000 का इनाम। बर्गर किंग में क्या आरोपी थे क्या सर? ये बर्गर किंग में ये आशीष लालू और विक्की रिडाना दोनों शूटर थे। इन तीनों की मौत हो चुकी है बताया जा रहा है, ब्रॉड डेड पाए गए, आगे अभी तफ्तीश। एसटीएफ थी उसका मुठभेड़ हुई है खरखोदा में, क्या पूरा मामला निकल कर सामने आया? हमारी हरियाणा एसटीएफ सोनीपत एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ हुई है, विक्की रिडाना और एक खारिया उनके दोनों के और एक और बंदा और था, तीनों के साथ मुठभेड़ हुई है, एक हमारा पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुआ है और तीनों अभी हॉस्पिटल में है। सर मौत बता रहे हैं, तीनों की मौत हो गई है किस तरह? अभी तो डॉक्टर बता पाएगा इस बारे में, तो मौके पे तो हम सर, नहीं बता सकते। सर इनको इनाम भी रखा गया था क्या, कितने मर्डर्स में ये फरार चल रहे थे? हाँ ये काफ़ी मुकदमों में फरार चल रहे हैं, ये कम से कम इनके ऊपर 4-4, 5-5 मुकदमे हैं। सर ये भाव गैंग से ताल्लुकात रखते हैं? हाँ यस यस यस, पहले भी इन्होंने 2-3 एक मर्डर किया था यहाँ पे, कई फायरिंग कर रखी हैं, तो काफ़ी वांटेड थे हमारे ये। सर भाव गैंग से ताल्लुकात है क्या तीनों के? अब इन्वेस्टिगेशन पता लगेगा किस गैंग से ही कैसा है। सर एक 1,00,000 के इनामी बदमाश थे कुछ? ये बताएंगे इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे, अभी तो जस्ट आपको लास्ट में बता देंगे जितना भी होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.